बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन। ज़फ़र इकबाल एस्पायर स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये जस्ट लाइक सिंटोरस या इस टाइप का एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। आप यहाँ पे मॉल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यानी कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपार्टमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस सारे की डिटेल्स आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें मैं कोशिश करूंगा उस प्रोजेक्ट की तमाम जो अहम पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपके साथ रखूँ। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको अपनी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। वहां पे आपको इसकी प्रॉपर स्लाइड्स के साथ एक एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, J7 एम्पोरियम है। J7 एम्पोरियम बेसिकली मल्टी गार्डन B17 के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग आपको देता हूँ मैं, आपको साथ साथ अपनी जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। J7 ग्रुप के वाले से मैं अगर इसका बैकग्राउंड देखूं, इसने इससे पहले क्या प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे ये J71 मॉल ये सेक्टर D17 के अंदर बना चुके हैं। इसी तरह से J7 मॉल भी D17 के अंदर बना चुके हैं। ये J7 मॉल और J71 मॉल ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं इनके। ऐसे ही पाइन विलास D17 के अंदर ये बनाए इन्होंने और पाम विलास के नाम से B17 के अंदर ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इस ग्रुप के हवाले से अगर हम बात करें तो ये वक्त से पहले डिलीवर करने वाले हैं। इससे पहले ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्होंने अपने टाइम से बहुत पहले ये डिलीवर कर चुके हैं। और आज भी जो मैं आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, इसकी भी मैं साथ में ट्राई करूंगा, एक शॉर्ट सी वीडियो भी आखिर के ऊपर आपसे मैं शेयर करूं और उसके अंदर इसके अंदर जितना काम हो चुका है वो सारा काम आपके साथ शेयर करूंगा। J7 मॉल के अंदर आपके लिए बड़ी जबरदस्त अम्यूनिटीज होंगी। इसके अंदर पूल्स होंगे, फिटनेस एरिनाज होंगे, प्ले एरियाज होंगे, इंडोर आउटडोर वर्कआउट्स के स्पेसेस होंगी और स्पा सोना ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आपके लिए मौजूद होंगी। इस पे हम आगे चल के बात भी करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो इसकी अम्यूनिटीज के वाले से। इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके लिए स्काई वॉक मौजूद होगा। पाकिस्तान के अंदर ये सबसे पहली दफा आपको स्काई वॉक की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप बिल्डिंग की बिल्कुल हाइट के ऊपर, ये तकरीबन 26 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, तो वहां पे बिल्कुल हाइट के ऊपर आपके पास स्काई वॉक की फैसिलिटी मौजूद होगी। आप 360 डिग्री के ऊपर उसको व्यू कर सकेंगे। फर्स्ट एवर हाई एंड मॉल इन पाकिस्तान है ये। इंटेलिजेंट 3 लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग विद मैनेजमेंट फैसिलिटीज के है। इसका जो प्लॉट है 3 साइडेड कॉर्नर है, 360 व्यू आप इस पे कर सकते हैं। सेपरेट पार्किंग एंट्रेंस फॉर मॉल अपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट टावर्स। सेपरेट पार्किंग एंट्रेंस फॉर मॉल अपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट टावर, जो इसके 3 डिफरेंट टावर्स बन रहे हैं, तीनों टावर्स के अंदर डिफरेंट के एंट्रेंस मौजूद होगी पार्किंग के हवाले से। 6 स्टोरी मेगा मॉल विद अप्रोक्सीमेटली 350,000 स्क्वेयर फीट रिटेल स्पेस, यानी इसके अंदर 6 स्टोरीज हैं जो मॉल की हैं, जिसके अंदर 3.5 लाख स्क्वेयर फीट की स्पेस होगी आपकी, यानी रिटेल शॉप्स के वाले से। पाकिस्तान टॉलेस्ट आरटीएम बनने जा रहे हैं यहाँ पे। कंप्रोमाइजेस 40% रिटेल स्पेस एंड 60% कॉमन स्पेस, यानी इसके अंदर जो रिटेल की स्पेस होगी वो आपकी होगी 40% और 60% आपकी कॉमन स्पेसेस इसके अंदर होंगी। मल्टीपल एस्केलेटर्स एलिवेटर्स एंड ट्रेवलेटर्स फॉर वर्टिकल एक्सेस, आपके पास इसके अंदर एलिवेटर्स भी हैं, एस्केलेटर्स भी हैं, ट्रेवलेटर्स भी हैं, लिफ्ट वगैरह ये सारी फैसिलिटीज आपके पास मौजूद होंगी ऊपर इसके अंदर ट्रेवल करने के लिए। एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्रांड्स, इसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी इसके अंदर डिजाइन किया गया है और साथ साथ नेशनल ब्रांड्स के लिए भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ओवर द टॉप इंटीरियर डिजाइन, इसके अंदर J7 बिजनेस सेंटर भी होगा, फ्री वाईफाई की फैसिलिटी होगी इसके अंदर, J7 कस्टमर केयर सेंटर भी इसके अंदर मौजूद होगा, पूरा एम्पोरियम आपका सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, बैंकिंग फैसिलिटीज भी इसके अंदर मौजूद होंगी, स्टैंड बाय जनरेटर्स मौजूद होंगे आपके लिए, जो लोड शेडिंग वगैरह का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह इसके अंदर। किड्स प्ले एरिया होंगे मॉल के अंदर, डेडिकेटेड प्रेयर हॉल होगा इसके अंदर, 2 मेन एंट्रेंसेस होंगी ग्राउंड लेवल के ऊपर,
24/7 सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस होगी, अप स्केल शॉप्स होंगी, 4D सिनेमाज होंगे इसके अंदर, एक्सक्यूट बैंकुएट हॉल्स होंगे इसके अंदर, इसके ऊपर मैं कुछ आगे चल के भी बात करूंगा, लार्ज फूड कोर्ट्स हैविंग वाइड अरे ऑफ रेस्टोरेंट्स, यानी इसके अंदर काफी बड़े फूड कोर्ट होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास रेस्टोरेंट्स होंगे, मुख्तलिफ खानों की इसके अंदर आपके लिए फैसिलिटीज होंगी, देसी भी, कॉन्टिनेंटल भी, इंटरनेशनल भी, डिफरेंट इटालियंस वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज आपकी इसके अंदर मौजूद होगी। ओपन एयर और टेरेस होटल्स इसके अंदर होंगे, 3 मैग्निफिसेंट स्विमिंग पूल्स होंगे, यानी 3 बड़े जबरदस्त किस्म के स्विमिंग पूल्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जिम, स्पा, सोना, ये फैसिलिटीज भी इसके अंदर होंगी। इसके अंदर अल्ट्रा लग्जरियस होटल अपार्टमेंट्स होंगे आपके लिए, पेंट हाउसेस होंगे, जो कारपोरेट टावर है वो 16 स्टोरीज का होगा आपके। इसके अंदर मॉडर्न लिविंग्स होंगे, J7 लॉफ्ट, J7 एम्पोरियम के अंदर लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी होगी इसके अंदर, 7 5-star हाउस कीपिंग की सर्विसेज भी लेके आ रहे हैं ये। J7 होम्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेंट हाउसेज भी आपके लिए हैं, मल्टी डेक अपार्टमेंट्स इसके अंदर हैं, स्टूडियो 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट्स होंगे इसके अंदर, और इनमें बहुत से ऐसे होंगे जो प्राइवेट बेल्कनी के साथ भी होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर बास के जो बेल्कनी की जो आउटलुक आपको नजर आ रही होगी, जो B17 की साइड की आएगी, कुछ ऐसे हैं जो आपको मरगला के व्यू वाली साइड पे आ रहे होंगे, तो ये डिफरेंट व्यू आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर। J7 एम्पोरियम के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके अगर इंटीरियर्स की बात की जाए, उनकी लग्जरी फिनिशिंग्स होंगी, लेविश डिजाइन है, और ये बड़े पीसफुल माहौल आपको मुहैया कर रहे होंगे ये, और इनका जो व्यू है वो पैनोरामिक व्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर आप पूरे सिटी का व्यू कर सकेंगे इसके अंदर। अपार्टमेंट्स के अंदर किचन की फैसिलिटीज भी साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे जिम, स्पा और ये सारी फैसिलिटीज आपको इसी एम्पोरियम के अंदर प्रोवाइड कर रही है। अगर इसकी आउटलुक थोड़ी सी आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि ये इसके जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ गए, फिर ये टॉप ऑफ द फ्लोर के ऊपर इसका स्विमिंग पूल होगा, ये कॉर्पोरेट टावर आ जाएगा, फिर ये स्काई वॉक, ये बड़ा खूबसूरत इसका फैसिलिटी, फिर 4D सिनेमा है, शॉपिंग मॉल इसके अंदर है, स्मार्ट कार पार्किंग है इसके अंदर, और फन सिटी एंड फूड कोर्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बड़ी आउट क्लास है, बड़ी जबरदस्त लोकेशन बनती है इसकी। आप ये देखिए, ये अगर मैप के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये B17 है, मल्टी गार्डन B17, इसके सामने ये GT रोड जा रहा है, GT रोड संजानी से आप जा रहे हैं टूअर्ड टेक्सरा जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे B17 आ जाता है, और यहाँ इसके सामने से जो नया मार्गला एवेन्यू बना है वो भी इसके बिल्कुल करीब से B17 के करीब से गुजर है, तो आपकी एक्सेस यहाँ से बहुत करीब हो जाएगी सीधा से। फिर इसके बिल्कुल साथ ही B17 के साथ ही मोटरवे CPAC रूट भी आपके करीब आ जाता है। तो अगर मैं इसकी सारे एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये संजानी टूल प्लाजा से हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगते ये, और इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो इस मोटरवे के ऊपर है वो 25 मिनट की ड्राइव बनती है आपकी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 30 मिनट के फासले पे है, CPAC जो है मोटरवे एक्सचेंज से अगर हम इधर से देखें तो 10 मिनट के हमें आप उसमें पहुंच जाते हैं, E11 आप 15 मिनट में जा सकते हैं, 0 पॉइंट आप 30 मिनट के अंदर जा सकते हैं, सदर आप यहां से पिंडी अगर जाना चाहें तो 30 मिनट के अंदर जा सकते हैं, इसी तरह यहां से वॉक एंड जाना चाहें तो 15-16 मिनट के अंदर आप वॉक एंड पहुंच जाते हैं, कानपुर डैम में आप जाना चाहें तो जस्ट 40 मिनट के अंदर आप वहां कानपुर डैम भी पहुंच सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की मैं टोटल एरिया की बात करूं तो ये 48 कनाल के ऊपर 48 कनाल के ऊपर बन रहा है, 26 स्टोरीज की बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये इसका पैनोरामिक व्यू आपको मैं दिखा रहा हूं, उसको देखते हैं। ये यहाँ पे एम्पोरियम बन रहा है इस जगह पे, और आप यहाँ पे इसके अंदर ये जो B17 की आबादी के लिए देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आबाद सेक्टर बन रहा है इस वक्त, इसके अंदर ये कमर्शियल है, फिर ये इसका मेन एवेन्यू जा रहा है, इसी तरह से इसके साथ ये FM जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, ये मरगला हिल्स इसकी साइड पे है, और यहाँ ये सामने इसका GT रोड भी है, और इसकी बैक के ऊपर ये इस जगह के ऊपर आपको यहाँ पे मोटरवे M1 मौजूद है, और इसी तरह से इसके साथ ही आगे CPAC भी मौजूद है, इस साइड के ऊपर आपका एयरपोर्ट भी आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अगर आप इसमें देखेंगे ये कह रहे हैं सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ मोटरवे, CPAC, रिंग रोड, GT रोड, मरगला एवेन्यू, B17, सेक्टर B17 इज द न्यू बिजनेस हब,
और ये बात बिल्कुल सही इसके अंदर कह रहे हैं आप। ये देखिए B17 की फ्रंट साइड के ऊपर GT रोड है, इसकी बैक साइड के ऊपर मोटरवे आ जाता है, ये दोनों साथ ही हैं। मोटरवे के जिस जगह पे ये उसके बिल्कुल करीब जो CPAC रोड वो भी गुजर रहा है। इसी तरह से जो पिंडी इस्लामाबाद के लिए रिंग रोड है वो भी इसको टच करता है, जो मार्गला एवेन्यू है वो इसके बिल्कुल सामने से निकल रहा है। तो ये एक बड़ी प्राइम लोकेशन बनती है जिस मल्टी गार्डन B17 की, और उसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। ये J7 एम्पोरियम के अंदर जिम और स्पा की जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी मौजूद होगी इसके अंदर। बड़ा खूबसूरत डिजाइन है इसका, लेआउट इसका बहुत खूबसूरत है। अगर हम देखें यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, फिर एक स्विमिंग पूल यहाँ पे भी है, ये के टॉप पे भी है, ये स्काई वॉक इसका आ जाता है यहाँ पे। और जो इसके बैंक्वेट हॉल्स हैं वो बड़े जबरदस्त बनाए हैं, बड़ी लॉबी के साथ हैं, और यहाँ पे आप डिफरेंट आपको फैसिलिटीज होंगी। J7 लॉफ्ट जो है ये बुटीक होटल होगा और बैंक्वेट हॉल भी इसके साथ होगा, बैंक्वेट हॉल विद लॉबी के होगा। इसके अंदर सिग्नेचर सूट्स होंगे, स्मार्ट फैमिली रूम्स होंगे इसमें, और ये एक ऐसा वेन्यू होगा जिसके अंदर आप कॉर्पोरेट इवेंट्स करना चाहें वो भी आप कर सकेंगे, आप वेडिंग हॉल भी इसके लिए यूज होंगे, सोशल एक्टिविटीज के लिए जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी ये हॉल यूज हो सकेंगे। तो ये मल्टीपर्पज आपके ये हॉल इसके अंदर यूज हो सकेंगे। और स्काई वॉक अगर आप देखें तो ये 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। J7 एम्पोरियम का जो कॉर्पोरेट टावर है उसके वजह से अगर मैं बात करूं, जो इसके टच टावर के अंदर ऑफिसेज हैं वो सिंगल भी मिल सकते हैं और मल्टी लेवल भी होंगे, और ये कन्वर्टेबल होंगे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं इसे। अगर आप अपने सिंगल पर्पस ऑफिस के लिए यूज करना चाहते तब भी कर सकेंगे। अगर कोई बड़ा ब्रांड है, कोई बड़ा नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड है, वो अपने हेडक्वार्टर बनाना चाह रहे हैं, या इस तरह की टेक फर्म्स हैं, कोई फाइनेंशियल हैं, कोई हेल्थ केयर डिफेंस से रिलेटेड हैं, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर कोई बड़ी जगह चाहिए तो वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये ऑफिसेज को कन्वर्ट करके, यानी इसके अंदर वो फिक्स नहीं है, कन्वर्टेबल है। अगर आपको बड़ी स्पेस चाहिए वो भी हो जाएगी, अगर आप उसको छोटे ऑफिसेज के अंदर जाना चाहें तो वो भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो उम्मीद है कि आपको जो ROI है वो बहुत अच्छा मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी इस वक्त तक अगर हम देखें तो इसकी जो डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से जा रही है। मैं आपको वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा साथ कि कितना काम कर चुके हैं, थोड़ी सी देर बाद मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा उसके अंदर आप देख सकते हैं इसका। अगर हम ऑटोमेटेड सर्विसेज के बारे से बात करें तो यहाँ पे J7 एम्पोरियम के अंदर आपको 3 डेडिकेटेड कार पार्किंग्स दे रहे हैं, और पाकिस्तान का ये फर्स्ट स्मार्ट होम होगा। स्मार्ट पार्किंग और शॉपिंग ऐप इसकी मौजूद होगी, और आपके जो पार्किंग के अंदर भी आपको मैकेनिकल पार्किंग की फैसिलिटी भी इसके अंदर होगी, और आपके लिए एक बड़ा कार पार्किंग का ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। अगर इसके जो लेआउट देखें, जो थ्री बेड इसके अंदर है उनका लेआउट अगर आप देखें तो ये 1 बेड का लेआउट है इसके अंदर, जिसके अंदर ये सामने लाउंज है, इसके साथ किचन भी मौजूद है, फिर ये बेडरूम है, साथ बाथ भी मौजूद है। इसी तरह से अगर हम 2 बेड की बात कर लें तो जब आप यहाँ से एंट्रेंस करेंगे तो ये सामने आपके यहाँ लाउंज भी आ जाता है, एक बेड आपका यहाँ पे, एक बेड ये आ गया, साथ इसकी किचन भी है और साथ ये डाइनिंग मौजूद है इसके अंदर। इसी तरह से अगर हम 3 बेड की बात कर लें तो जब आप यहाँ इसके अंदर आते हैं तो आपके सबसे पहले ये यहाँ पे आपके डाइनिंग की फैसिलिटी आ गई, फिर ये लाउंज आ गया, डाइनिंग डाइनिंग सारा इसके अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह से ये 3 बेड आ गए, एक बेड आपका यहाँ पे, एक ये बेड है, अटैच बाथ के साथ है, साथ किचन भी इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे, तो साथ ये लॉबी के साथ भी मौजूद है इसमें। तो इसका जो लेआउट वगैरह बड़ा अच्छा खूबसूरत बनाया गया। अब मैं इसकी एक वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूं, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त तक इसके अंदर जो काम हुआ हुआ कितना हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त तक इसके जो J7 एम्पोरियम आपको मैं कि वीडियो भी दिखा रहा हूं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं तकरीबन इसके टोटल 25 स्लैब्स कंप्लीट हो चुके हैं एक टावर के, बाकी दूसरे टावर्स के ऊपर भी इसका काम हो रहा है। नीचे जो इसका माल है वो कंप्लीट हो चुका है, माल के अंदर कुछ ब्रांड्स आ भी गए, एक चायखाना का ब्रांड भी आ चुका है, कुछ और ब्रांड भी आ रहे हैं। तो आपके पास जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि ये एक ऐसा है कि अगर आप इसके अंदर कमर्शियल शॉप्स वगैरह बुक करवाना चाहें तो वो तो आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ऑप्शन मौजूद हैं, और यानी आप थोड़े से 1 से 2 साल के अंदर आप अपनी पेमेंट उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो अपार्टमेंट्स हैं वो, चूँकि ऑफिस और अपार्टमेंट्स इनकी थोड़े से टाइम लगेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा लंबे टाइम का आपको उसके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाएगा, लेकिन मॉल के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान वो शॉर्ट टर्म का मिलेगा।
इसके अंदर यूनिट्स अब बहुत महदूद तादाद के अंदर मौजूद हैं। आज मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की, ये सारी डिटेल्स शेयर की, J7 एम्पोरियम के वाले से शेयर की, इस कोशिश मैंने की कि तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं। इसके वाले से आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं, आप इसका बुकिंग प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सके, हमसे डिटेल ले सकते हैं। आखिर में आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ बेल आइकन दबा के अपने अहबाब के साथ शेयर कर दीजिए। आप सारे दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।